दंडाधिकारी को देशभक्त देशभक्त कहती है। मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूं। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपने बयान पर माफी तो मांग ली, लेकिन साथ में इतने किंतु परंतु लगाए कि कांग्रेस और विपक्ष बवाल ही करने लगा। कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूं। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर साध्वी प्रज्ञा के बयान पर लोकसभा में गुरुवार को बवाल मचा था, जिसके बाद वो सफाई देने पहुंची, लेकिन कांग्रेस बिना शर्त माफी पर अड़ी रही। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर चुने हुए एक नुमाइंदे ने महात्मा गांधी की जो हत्याकारी है बार बार वो हत्याकारी को देशभक्त देशभक्त कहती है, और इसलिए हिंदुस्तान में नहीं सारे दुनिया में निंदा हो रहे हैं। मैं आपके जरिए से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या नाथूराम गोडसे देशभक्त था या खासिल था? आप बोलिए, गोडसे खासिल था या टेररिस्ट था? कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने मोर्चा संभाला तो सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी पलटवार करते रहे। तो साध्वी प्रज्ञा कांग्रेस को राहुल गांधी के गुरुवार के ट्वीट की याद दिलाने लगी। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। गोडसे प्रकरण को लेकर राहुल गांधी ने मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा को अपने ट्वीट में आतंकवादी करार दिया था। साध्वी प्रज्ञा ने इसे मुद्दा बनाकर भावनात्मक कार्ड खेल दिया और कांग्रेस घिर गई। अब तक जो कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर थी वो अब बैकफुट पर नजर आने लगी और सत्ता पक्ष के सांसद राहुल गांधी से माफी की मांग करने लगे। इस सदन के सदस्य राहुल गांधी जी ने इस सदन के सदस्य प्रज्ञा ठाकुर जी के लिए जो आतंकवाद शब्द का यूज किया, इसीलिए 222 में वो प्रिविलेज बनता है। और मेरा आपसे आग्रह है कि राहुल गांधी जी के ऊपर प्रिविलेज पोषण जो है आप मूव करिए और उनके ऊपर जो है कार्रवाई करिए। शर्म आनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इस सदन में माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी जी को आकर इस सदन में माफी मांगनी चाहिए। भले ही राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात हो रही हो, लेकिन वो बेफिक्र हैं। राहुल ना अपने बयान को वापस लेने को तैयार दिख रहे हैं और ना ही प्रिविलेज मोशन का ही खौफ उन्हें दिख रहा है। कर दो, जो करना है करो, मैंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। एक तरफ संसद में बवाल मचा है तो सड़क पर कांग्रेसी उतरे हुए हैं और साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मतलब साफ है कि साध्वी प्रज्ञा के बयान पर बवाल थमेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।